Hello guys, good evening। देखिए मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं तो प्याज़ मटन बना रही हूँ, सब कुछ खड़े खड़े देकर। इसको ऐसे बनाने से इसका स्वाद अलग हो जाता है। और देखिए मैं तो प्याज़ मटन बना रही हूँ। देखिए मैं सब चीज़ उसमें मिला के रख दी हूँ। फ़ौरन दे दी हूँ, मैं मीट दे दूँगी और मैं इसको चलाऊँगी जब तक बन जाए, नहीं तब तक चलाती रहूँगी। प्याज गल ना जाए, जब प्याज गल जाए तो पानी दूँगी। और मेरे इस छोटे से ब्लॉक में, और मेरा ये ज़्यादा लंबा नहीं है, बस बना रही थी तो सोची थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ आप लोग को। देखिए कितना अच्छे से बन जा रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप लोग मेरे छोटे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। देखिए ये फेफड़ा और तेल भूज के रखी हूँ, जिस चर्बी फैट है लस्सी का। और देखिए मैं भूज रही हूँ, देखिए टेस्टी बना रही हूँ आप लोग के लिए। छोटा सा ब्लॉग, मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइए कमेंट करके। देखिए रोटी बन रहा है, अब रोटी बन जाता है तो खाना निकालती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग में अगर बन रही है, मैं खाना निकाल के दिखाती हूँ आप लोग को। चावल भी हो रहा है, रोटी भी हो रहा है और मटन चावल रोटी खाएंगे। तो प्याजा हम इसको बोलते हैं मटन को। ये रोटी इतनी अच्छी अच्छी बन रही है हमारी। मैं खाना निकालने की तैयारी कर रही हूँ, खाना निकाल देती हूँ। खाना निकाल लूँगी फिर, क्योंकि मौसम सही नहीं रहता है, लाइट कटने का डर है। देखिए मेरे बन गया मेरा मटन, मैं खाना निकाल रही हूँ, निकाल के दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए कितना अच्छा बना है, प्याज गल गया है। देखिए मेरा खाना निकल गया, ये चावल थोड़ा देर में हो जाएगा, बस अभी रोटी दे रही हूँ, जब तक खाएंगे चावल भी हो जाएगा, फिर चावल दूंगी। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नए हो इस चैनल पे, देखिए ये चावल भी हो गया, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाना न भूलें फ्रेंड हमारे नए चैनल के लिए। देखिए कितना अच्छा बना है ना फ्रेंड, चलिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।